जय श्री राम गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे यार ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की कि भैया आपके कॉलेज में हम कैसे आएँ, हम स्टेशन तक तो पहुंच गए, कॉलेज में कैसे आएँ, कॉलेज मिल नहीं रहा, बहुत दूर बना रखा है सिटी से यार, क्या करें यार, बस नहीं मिल रही और ऑटो कर रहे हैं तो बहुत पैसे मांग रहे हैं, टैक्सी कर रहे हैं तो बहुत पैसे मांग रहे हैं, सो व्हाट शुड वी डू। सो यार इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ कैसी है, आप हमारे कॉलेज में कैसे पहुँच सकते हैं। तो यार सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी स्टेशन से लेकर के कॉलेज तक आने के लिए। तो यार अगर हम बात करें जो हमारा कॉलेज है ना वो 23 to 24 किलोमीटर्स है हमारी सिटी से, हमारे जो स्टेशन है वहाँ से 23 to 24 किलोमीटर्स है, तो मतलब काफ़ी काफ़ी दूर है। तो ये जो हमारा एरिया है ना ये कारवाड़ एरिया कहलाता है, जो गाँव का नाम है वो कारवाड़ है। एंड यहाँ पर और भी कॉलेजेस हैं जैसे कि निफ्ट हो गया जो कि फैशन टेक्नोलॉजी का कॉलेज है, इसके साथ साथ आयुर्वेद का कॉलेज हो गया। तो कहने का मतलब ये यार ये कि सिटी में नहीं है हमारा कॉलेज, ऐसा मत मानिए कि यार डायरेक्टली आप रिक्शा करा और आ गए पहुँच गए सीधा कॉलेज, तो सिटी से काफ़ी दूर है पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है तो क्या करें, तो यार आपको जो है इजीली ऑटो वगैरह मिल जाएंगे, आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो ऑटो वगैरह काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं नए लोगों को देख के, तो आप जितना पे करिए मतलब कि अराउंड 400 to 500 रुपीस आप उनको पे करिए फॉर कमिंग टू कैंपस, एंड इतना आई थिंक एक गुड चार्ज है, एक सही चार्ज है उनके लिए भी। बाकी यार भैया अगर हम बस फैसिलिटी की बात करें तो यार जनरली जो है वो हमारे कॉलेज तक कोई बस नहीं आती, जो बस आती है वो निफ्ट तक आती है, यानी कि जो फैशन टेक्नोलॉजी कॉलेज है वो हमसे पहले पड़ता है, वहाँ तक जो है सरकारी बसें जो डिब्बा बसें होती हैं, डिब्बा बसें तो नहीं कहेंगे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेज होती हैं वो आती हैं। अगर आपको सही लगता है उनमें ट्रैवल करना, वैसे तो जनरली लोग प्रेफर नहीं करते बट अगर आपको सही भी लगता है तो आप उनमें ट्रैवल कर सकते हैं, और वो मुझे आई थिंक नंबर नहीं पता कि कौन से नंबर की बस आती है, वो आप पता कर सकते हैं वहीं से स्टेशन के बाहर से ही, और आप उन बसेस की हेल्प से यहाँ तक आ सकते हैं। फिर उसके बाद निफ्ट से लेकर के यहाँ तक आई थिंक अराउंड 1 to 1.5 किलोमीटर है, वो आपको पैदल ही कवर करना पड़ेगा। अब यार इसके अलावा जो है आप टैक्सी वगैरह आपको मिली जाएगी स्टेशन के बाहर से, टैक्सी वगैरह भी बुक कर सकते हैं, कोई कार भी बुक कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ एक रफ आइडिया दे दिया कि यार आप कैसे रीच कर सकते हैं स्टेशन से लेकर के और अपना कॉलेज तक। इसके बाद भैया अगर हमें कॉलेज से स्टेशन जाना है दोबारा, तो यार दोबारा यार आप तो वो अगर आपने टैक्सी बुक कर ही लिया तो फिर तो आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भैया आपने ये तो बता दिया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, बट यार आपका कॉलेज IIT है, इतना बड़ा कॉलेज है, तो इनकी भी तो कोई बसेस होती होंगी, IIT की भी तो बसेस होती होंगी, भैया स्टूडेंट्स आ रहे हैं IIT के तो इनके लिए भी बसेस तो होनी ही चाहिए यार, जैसे हर कॉलेज में बसेज होती हैं, हर स्कूल में बसेज होती हैं, वैसे कुछ IIT की बसेज नहीं है क्या यार? डेफ़िनेटली हैं IIT की बसेस। इवन पहले अगर मैं बात करूँ, मेरे जब फर्स्ट सेमेस्टर में था, मेरा जब फर्स्ट ईयर था, तब तो स्टेशन से लेकर के और कॉलेज तक बसेस चलती थी, इवन IIT जोधपुर की कॉलेज की बस स्टेशन से लेकर के और कॉलेज कैंपस तक चलती थी, एंड मतलब रेगुलर इंटरवल्स में चलती थी कि दो दो तीन तीन घंटे बाद IIT जोधपुर की बसेज आ रही है सिटी और स्टूडेंट्स को लेके जा रही है। बट यार पता है क्या हुआ, आई डोंट नो क्या हुआ, कोरोना के बाद से जो शेड्यूल था बस का वो बहुत कम कर दिया, मतलब कि रेगुलर इंटरवल्स में क्या बहुत कभी कभार ही बसेस हमारी लगा रखी है, एंड क्या शेड्यूल है एग्जैक्टली उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यार अराउंड 10 बजे के आसपास हमारे कॉलेज से जो है बस जाती है MBM पर, MBM क्या यार, सिटी में एक कॉलेज है जिसका नाम है MBM, वहाँ पर बस जाती है 10 बजे के आसपास मॉर्निंग में। तो पहली बस जो हमारे कॉलेज से निकलती है वो यही है, सिटी से लेकर के और हमारे कैंपस तक सुबह मॉर्निंग के टाइम पे कोई बस नहीं है, एंड होती होगी तो वो आई थिंक फैकल्टी वगैरह के लिए या फिर उनके लिए जो मैनेजमेंट स्टाफ है उनके लिए होती होगी, वो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो यार अब एग्जैक्टली शेड्यूल की बात कर लेते हैं, क्या शेड्यूल है हमारे कॉलेज की बस का। सुबह 10 बजे के आसपास एक हमारी कॉलेज की बस है, वो जाती है सिटी, वो जाती है MBM, वो 3-4 जगह रुकती है, एंड वहाँ पर आप उतर कर मार्केट वगैरह में रुकती है, वहाँ पर आप उतर सकते हैं। बाकी यार ये सेम बस जो है शाम को 4 बजे के आसपास से वहाँ से निकलती है, MBM से निकलती है एंड हमारे कैंपस तक आती है, ये कॉलेज की बस है, ये कोई फ़ीस नहीं लेगी चूँकि ये कॉलेज की बस है। इसके अलावा भैया और कोई बस, इसके अलावा यार जो हमारे कॉलेज से एक और बस है शाम के 5:20 पे, वो जाती है कहाँ, MBM जाती है, वो भी सिटी जाती है, एंड वो भी आप ले सकते हैं, और ये जो बस है ये रात को 9:30 के आसपास एग्जैक्टली शेड्यूल आप देख सकते हैं वहाँ से MBM से यहाँ पर आती है। इसके अलावा यार वीकेंड्स पे 2-3 और बसें हैं, बट हाँ स्टेशन से कोई भी बस हमारे कॉलेज की नहीं आती, इस बात को आप याद रखना। सो गाइज दिस वॉज अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, एंड मेजरली आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा, बाकी यार हमारे कॉलेज की बस है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।